इन दिनों सबसे ज़्यादा पत्र संदेश जो मुझे मिले हैं वो दो विषयों पर बहुत अधिक है पहला विषय है चंद्रयान थ्री की सफल लैंडिंग और दूसरा विषय है दिल्ली में जी ट्वेंटी का सफल आयोजन देश के हर हिस्से से समाज के हर वर्ग से हर उम्र के लोगों के मुझे अनगिनत पत्र मिले हैं जब चंद्रयान थ्री का लैंडर चंद्रमा पर उतरने वाला था तब करोड़ों लोग अलग अलग माध्यमों के जरिए एक साथ इस घटना के पल पल के साक्षी बन रहे थे इसरो के यूट्यूब लाइव चैनल पर 80 लाख से ज्यादा लोगों ने इस घटना को देखा अपने आप में एक रिकॉर्ड है इससे पता चलता है कि चंद्रयान थ्री से करोड़ों भारतीयों का कितना गहरा लगाव है चंद्रयान की इस सफलता पर देश में इन दिनों एक बहुत ही शानदार क्वीज कंपटीशन भी चल रहा है प्रश्न स्पर्धा और उसे नाम दिया गया है चंद्रयान थ्री महाक्वीज माई गोव पोर्टल पर हो रहे इस कंपटीशन में अब तक 15 लाख से ज्यादा लोग हिस्सा ले चुके हैं माई गांव की शुरुआत के बाद यह किसी भी क्वीज में सबसे बड़ा पार्टिसिपेशन है मैं तो आपसे भी कहूंगा कि अगर आपने अब तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है तो अब देर मत करिए अब इसमें छह दिन और बचे हैं इस क्वीज में जरूर हिस्सा लीजिए मेरे परिवारजनों चंद्रयान थ्री की सफलता के बाद जी ट्वेंटी के शानदार आयोजन ने हर भारतीय की खुशी को दोगुना कर दिया भारत मंडपम तो अपने आप में एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया है लोग उसके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं और गर्व से पोस्ट भी कर रहे हैं भारत ने इस समिट में अफ्रीकन यूनियन को जी ट्वेंटी में फुल मेंबर बनाकर अपने नेतृत्व का लोहा मनवाया है आपको ध्यान होगा जब भारत बहुत समृद्ध था उस जमाने में हमारे देश में और दुनिया में सिल्क रूट की बहुत चर्चा होती थी ये सिल्क रूट व्यापार कारोबार का बहुत बड़ा माध्यम था अब आधुनिक जमाने में भारत ने एक और इकोनॉमिक कॉरिडोर जी ट्वेंटी में सुझाया है यह है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यह कॉरिडोर आने वाले सैकड़ों वर्षों तक विश्व व्यापार का आधार बनने जा रहा है और इतिहास इस, इस बात को हमेशा याद रखेगा कि इस कॉरिडोर का सूत्रपात भारत की धरती पर हुआ था